दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें स्टील का बर्तन जला हुआ साफ करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो उसमें से केमिकल बच गया था। इसमें मैंने एक और चीज़ इसमें मिक्स की है। ठीक है, तो ये हो गई तीन चीज़ें। तो ये थोड़ा सा गर्म कर लिया है मैंने, वही केमिकल है बचा हुआ। तो देखिए, स्टील की सिंक पर कभी भी पानी के दाग लग जाते हैं वाइट जैसे, या हार्पिक का असर है, हार्पिक गलती से आपने यूज कर लिया है तो उसके असर को आप ख़त्म कर सकते हैं। स्टील पर जंग चढ़ जाए उसको भी आप आसानी से छुटा सकते हैं। रामबाण तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को कहीं से भी कट नहीं करना है, गलत कमेंट नहीं करना है आपको कि आपने ये चीज़ें नाम नहीं बताया, ये नहीं बताया। बहुत लोगों का कमेंट आता है, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा मैं वीडियो के एंड में खास करके बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। तो देखिए, स्टील की सिंक को चमकाने जा रहे हैं आप, चाहे स्टील की कोई भी चीज़ हो, जरूरी नहीं है स्टील की सिंक ही हो। तो देखिए, इसे तीन चीज़ है, दो चीज़ें तो मैंने बता दिया था, बेकिंग सोडा और शैम्पू। ठीक है, ये वही केमिकल है। तीसरी चीज़ जो डाली है मैं लास्ट में बताऊंगा। ये हो गया रामबाण तरीका स्टील को चमकाने के लिए। स्क्रब ले आपको ये वाला जूना ले लेना है, नया लेना है, पुराना नहीं लेना है। मतलब जैसे बर्तन साफ करते करते बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, वो नहीं लेना है आपको, ये लेना है। इसको इस तरीका से देखिए भिगोना है, इस तरीका से, और ऐसे रगड़ना है जहाँ जहाँ वाइट निशान है पानी के। जितनी भी गंदगी आप तुरंत इसको चमकते देखेंगे, देखिए इस तरह से। वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से कट नहीं करना है। देखिए, जितना भी मेरे पास में रिज बचा था ना, सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से रगड़ सकते हैं। चलिए धोते हैं इसको। देखिए, हमारी जो स्टील की सिंक है ना, ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है। इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। मैंने नमक डाला था आधा चम्मच उसके अंदर, तो तीन चीज़ें हो गई। तो इस तरीका से आप स्टील को क्लीन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली टिप्स में, तब तक के लिए नमस्कार।